आलू भिंडी मसाला सेब टमाटो काजू कोफ्ता मलाई कोफ्ता पनीर कोफ्ता शाही पनीर पनीर चिली पनीर भुर्जी पनीर हांडी पनीर पालक पनीर मटर पनीर टिक्का मसाला होता है जो थक गया मैं भैया। एक पनीर भुर्जी कर दो भैया, दाल फ्राई मिलेगी पर लोग यहाँ पर खाली भीगने और पीने आते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संचित एंड यू वाचिंग सिंग ऑन व्हील्स। मेरे साथ है आदित भाई और ध्रुव भाई। हम लोग कल यहाँ पहुँच रहे उदयपुर, सॉरी माउंट आबू पहुँचे थे, क्या बोल रहा हूँ मैं। हम लोग स्टे लिया था, स्टे ओकेश है, अपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लेना और देख लिया लोगों को पता ही है कि स्टे कैसा है हम लोगों का। बाकी अभी इट्स 11:30, हम लोगों ने बहुत रश नहीं किया क्योंकि बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। दो चार मतलब ऐसे तो जगहें हैं बट हम लोग दो चार जगह जाएंगे घूम फिर के आराम से अपना आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गुरु शिखर और बाहर मौसम बहुत बढ़िया, सुबह से एक नंबर मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। आप एक बार ही देखो नशे ओपी और वॉट, ये रात की उतरी नहीं आएगी तो अभी चलते हैं आपको एक गुरु शिखर। ये राइट में लिखा है गुरु शिखर, क्योंकि बादल है सुबह से, इतने ज्यादा बादल है कि होटल से बाहर देख रहे थे तो भी पूरा पूरा क्लाउड ही दिख रहा था, बिल्कुल होटल के जस्ट सामने से क्लाउड्स थे पूरे भरे हुए। तो मौसम तो बहुत बढ़िया है, लास्ट वीक नालडेरा गया था तो वहाँ भी ऐसा ही मौसम था तो मैं तो उधर भी खुश था, यहाँ भी खुश हो गया हूँ कि बहुत बढ़िया एक नंबर वो मजा आ रहा है अपने को। गुरु शिखर जाने का रास्ता काफी अच्छा है, पूरा ग्रीन रास्ता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दो और अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी थे जो हमने सोचा वापसी में रुकेंगे, बट रास्ता थोड़ा नैरो है और इधर के बीच में गाड़ियाँ खराब हो रखी थी, गाड़ी एक्सीडेंट हो रखी थी तो उससे कम ट्रैफिक जम काफी था। बट हमारे ध्रुव भाई गए आगे गाड़ी देख के, दो चार उन्होंने गाड़ियाँ हटवाई, थोड़ा दिल्ली वाला वो दिल्ली वाला ध्रुव बाहर आया और गाड़ियाँ फिर हट गई, जगह बन गई तो हम लोग निकल आए। अभी मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बाहर काफी ठंडी हवा भी है, थोड़ी बारिश से शीशे वीशे बंद कर रखे हैं और आप देखो पूरा ग्रीन है, पूरा इधर भी ग्रीनरी है, इस साइड भी ग्रीनरी ग्रीनरी है तो रास्ता अच्छा है। यहाँ से कितना 7-8 किलोमीटर है क्या, 7-8 किलोमीटर और है, 8 किलोमीटर और वहाँ पे गाड़ी पार्क होगी, वहाँ से 150-200 मीटर में चल के जाना है। कोई सीन ऐसा है कि आधे घंटे से या तो गाड़ी एक जगह खड़ी है या एकदम रेंग रेंग के चल रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और रोड साइड पार्किंग हो रखी है देखोगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इतना रश है इतना ट्रैफिक है तो यूटर्न मार लेते, यूटर्न की भी जगह नहीं है क्योंकि गाड़ी बड़ी है, जगह ज़्यादा चाहिए घुमाने के लिए, तो लेट्स सी रास्ते में जो जगह जगह थी वहाँ चले जाएंगे, गुरु शिखर छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे 5-6 साल बाद तो चले जाएंगे, अगली बार देख के आएंगे कि ऐसे सीजन में है जब ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि अभी देखोगे ना बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। A few moments later. So, यहाँ लगा दिए गाड़ी पार्किंग में पीछे, वह ऊपर टेम्पल रहा और हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं, व्यू पॉइंट है तो पहले का व्यू पॉइंट आते हैं फिर ऊपर जाएंगे फिर चाय वाय पी लेंगे, वहाँ पहुँच के आपको नज़ारा दिखाओ, यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है, वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ ले जा रहे चाय के मज़े और साथ में चल रही है मैगी और यहाँ पे ना मेजरली गुजरात और राजस्थान का टूरिस्ट है। सुबह जब हम आने के लिए पूछ रहे थे तो भाई बताएंगे भाई क्या बात है होटल के मैनेजर से, जब उसने बोला कि जाओ जाओ यही टाइम है जाने का तो एक्चुअल वर्ड्स आप बताओ। और बारिश हो रही थी सुबह, मैंने पूछा अभी जाना है गुरु शिखर, अभी जाना सही है कि नहीं है, तो बोला कि यही टाइम है जाने का, लोग यहाँ पर खाली भीगने और पीने आते हैं। एक्चुअली मुझे यही परफेक्ट, क्योंकि हम रास्ते में देख रहे थे गाड़ियों में भी सब खुले में चल रहा है, कहीं भी गाड़ी रोक के कहीं भी लोग बैठे हैं, शराबें चल रही हैं लोगों की, सब चल रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते, गंदा ना करो नेचर, इतना सुंदर जगह, इतना नेचुरल ब्यूटी है, सब कुछ है, बट ठीक है लोग एन्जॉयमेंट के लिए फन के लिए आते हैं, गुजरात में सब नहीं हो पाता तो लोग निकल के आते हैं वीकेंड वीकेंड के लिए, और मेजरली वही है दिल्ली की, तो हमें एक दो गाड़ी मुश्किल से दिखी है, कोई HR नंबर नहीं, सिर्फ RJ और GJ नंबर है यहाँ पे, बाकी ठीक है। अब यहाँ से बस ये मैगी खाते हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे और एक दो पॉइंट्स और है वहाँ पहुँच के, नेक्स्ट मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।
गुरु शिखर के रास्ते में आता है एडवेंचर पार्क, अभी हम लोग वहीं रुके थे जो आपने वीडियोस देखी वहीं की थी, और उसमें भी दो हैं। जब गुरु शिखर की तरफ जाओगे तो एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, लेफ्ट वाला ज़्यादा अच्छा है, हमने लेफ्ट वाले में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी। राइट में जो मैंने अभी लास्ट वो गाड़ी से लाई थी वो है, ट्रैक बहुत छोटा था, इतना फन नहीं था तो मज़ा नहीं आया। अभी हम लोग फिलहाल आए हैं नक्की लेक पे, ये पीछे रही नक्की लेक। तो अभी मैं खा रहा हूँ बुढ़िया के बाल, जिसको कॉटन कैंडी बोलते हैं, बचपन में तो हम यही बोलते थे बुढ़िया के बाल, और ऐसे कहीं जाते थे इंडिया गेट जाता रहा तो बहुत बारी ये सब खाता था। अभी आदित भाई ने बोला कि खाओगे, खुद नहीं खाना इनको, और मेरा मन बन गया तो मैंने कहा ले लेता हूँ, खा लेता हूँ। सो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही फेमस यहाँ का टोड रॉक है, ये भाई हम लोगों को टोड रॉक कैफे बोल के यहाँ तक ले आया, पूरा चढ़ाई करवा करवा के। पहले तो 1 किलोमीटर उल्टा ले गए थे, फिर 500 मीटर आगे ले गए, फिर घूम फिर के हम लोग आए, और अभी वहाँ से हम लोग करीब करीब लगा लो 1.5 किलोमीटर और चल के आ चुके हैं। और यहाँ उन्होंने बताया कि खाने पीने कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोड रॉक है, फोटो पॉइंट है, तो अभी ऊपर नहीं जा रहे। ध्रुव भाई की थोड़ी हालत पतली हो गई है तो ये बोल रहे हैं कि इतना चलवा दिया और नहीं चलूँगा, तो अब हम वापस नक्की लेक के पास ही जा रहे हैं। वहाँ पे एक रूफ टॉप कैफे प्लस बार जैसा कुछ था, उधर ही बैठ के खा लेंगे। यहाँ से भी काफ़ी लंबा जाना अपने घूम के। तो अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7:45 और हम लोग वापस आ गए हैं। आज एक दो जगह और सोची थी जाने की, नक्की लेक से पहले एक दिलवाड़ा टेम्पल है वहाँ से उतर जाएंगे, बट फिर हमें ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद एक सनसेट पॉइंट है वहाँ भी हम लोग नहीं गए क्योंकि सन तो ऐसा छह नहीं तो सनसेट क्या ही देखेंगे। फिर थोड़ा ये था अपने हिसाब से हम लोग घूम लिए क्योंकि बाकी दो भाई भी साथ में हैं तो सबके साथ सबको चलना पड़ता है। बाकी एक बार भाइयों से पूछते थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया नहीं आया। यो ब्रो हाउ वाज द डे, हाउ डू यू लाइक माउंट आबू? इट्स अ गुड प्लेस टू बी, लगेगा तुम्हें भी आके, अगर शिमला धर्मशाला का एक्सपोजर खत्म करना है तो जरूर आओ इधर, क्योंकि हम सारे जाते रहते हैं। हाँ। तो इट्स अ लॉन्ग ट्रिप बट अच्छा है, क्राउड ऐसा ही है बेकार सा मिलेगा इफ यू आर नॉट। हाँ थोड़ा सा ड्राइविंग सेंस मेरा खराब रहता है, ऐसा खराब इतना खराब है मतलब इतना डर के गाड़ी चलाते हैं ना, क्योंकि हम तो दिल्ली वाले जैसे होते हैं लेफ्ट में भी डाल दी कहीं से भी डाल के निकाल दी, पहाड़ी है आपने सामने गाड़ी आती तो हम लोग एक्सपीरियंस रहता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, बट everybody is not that experience, या सबको पहाड़ों वाला या छोटी छोटी गलियों में चलाने का experience नहीं रहता। बाकी overall place is very good because ऐसे natural beauty है, बहुत ज़्यादा greenery है, बहुत ज़्यादा, और मॉनसून में तो बहुत सुंदर है ही, आप लोगों ने vlogs में देख ही लिया होगा, एक नंबर लग रहा है। जहाँ ऊपर गए थे गुरु शिखर वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, वैली व्यू था, पूरा क्लाउडी था, और उसके बाद हम लोग एडवेंचर जोन पे रुके, वहाँ थोड़ा बहुत एडवेंचर कर लिया, उसके बाद हम लोग गए नक्की लेक। गए नक्की लेक पे थोड़ा क्राउडेड था इसलिए मैंने वहाँ पे ज्यादा व्लॉग नहीं किया, बहुत सारे लोग थे और किसी ने भी मास्क लगाया था, और टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने मास्क उतारा था व्लॉगिंग के टाइम पे, बाकी टाइम मास्क पहन रखा था, और टू बी ऑनेस्ट एक भी पुलिस वाला वहाँ पे ऐसा नहीं था जो रुक के लोगों को बोल रहा हो, चालान काट रहा हो, कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो। ऐसा करते हैं वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा व्हाट्सएवर रीजन डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, इसी शक्ल नहीं पसंद तो भी लाइक कर देना और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय लाइफ, बाय।